ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें। सीजी के पारस सबो लेकर पिचका और जवान से आन मल्ला जय जोहार संगवारी हो। आज है रे रविवार और आज के दिन में हाँ सोचे हो कि आज सुबह सुबह मुला हवन करना है। बहुत दिन हो गए खुद से हवन नहीं करे हो। पहली जब पतंजलि में रहत रहे हो तब करत रहे हो, उकर अलावा असम में रहत रहे हो तब भी करत रहे हो, लेकिन उकर बाद से करे नहीं हो खुद से घर में। तो आज मेहा और देवी जी हवन करत हो तो पहली में थोड़ा साफ सफाई करे हो, कबाद हवन के सामान ला जमाए हो, हवन कुंडला और लकड़ी वगैरह ला। देवी जी आ चुके हैं साड़ी पहन के और मैं आ चुके हूँ कटे वस्त्र पहन के। तो पेश है आप मन पर वैदिक तरीका से हवन। आचमनम् दायां हाथ में एक चम्मच जल लेके मंत्र पाठ के बाद पी लेना है। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये ए शय्योर विस्रवन्तु नः। अब हाथ में जो जल ले रहे हैं उला पी लेना है, ओकर बाद दो बार और पी लेना है, मतलब तीन बार हाथ में जल लेके पीना है। ओकर बाद दायां हाथ ला धो के बायां हाथ में एक चम्मच जल ले लेना है। ओकर बाद मध्यमा और अनामिका उंगली से, मतलब कि बीच के दो उंगली से जल ला स्पर्श करके शरीर के अंग ला स्पर्श करना है, जैसे आगे में करने वाला हूँ। इंद्रिय स्पर्श मंत्र। ओम वाक वाक ओम प्राणः प्राणः ओम चक्षुः चक्षुः ओम श्रोत्रम श्रोत्रम ओम नाभिः ओम हृदयम् ओम कंठः ओम शिरः ओम बाहुभ्याम यशोबलम् ओम करतलकर पृष्ठे। पहली वाला जल ला छोड़ देना है और फिर से बायां हाथ में जल ले लेना है। फिर से बीच के दो उंगली से जल ला शरीर के अंग में छिड़कना है, जैसे मैं करने वाला हूँ। ओम भुः पुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः ओम स्वः पुनातु कंठे ओम महः पुनातु हृदये ओम चनः पुनातु नाभ्याम ओम तपः पुनातु पादयोः ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। जो जल बच के उला एक कटोरी में रखना रहते ताकि एति उति मत बुहाए और हाथ ला रुमाल से पोछ ले। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतं च सत्यं च भीद्धात्त पशोध्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्र अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत् विश्वस्य मृतो वशी ओम सूर्य चंद्रामसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वः। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शिंयो रभिस्रवन्तु नः। फिर से तीन बार आचमन करना है, मतलब दायां हाथ में एक एक चम्मच जल लेके तीन बार पीना है। मनसा परिक्रमा मंत्र। ओम
प्राची दिगग्निरधिपति रसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेद्दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजे रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेद्दद्मः प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेद्दद्मः उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिर्षवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेद्दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपति कल्माष ग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेद्दद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षविषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेद्दद्मः उपस्थानमन्त्र उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथ्वी अन्तरिक्षगं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतं दीनाहस्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात् भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हाँ जोड़ लेंगे हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयान्नेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाम मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शांति 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 आंखें बंद रखेंगे हाथ जोड़ सकते हैं अथ देवयज्ञः ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासनाः ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूयस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाद्धार पृथ्वीं द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशुषं यस्य देवाः
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढा येन स्वस्थभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिताब्बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरहीणाम् स नो बन्धुर्जनिताः स विधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्तः अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासनाः अथ आचमनम्। आचमन के लिए दायां हाथ में एक चम्मच जल ले लेना है और मंत्र पाठ के बाद आचमन करना है, मतलब पीना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। चलो आचमन कर लिया जाए। फिर से दायां हाथ में एक चम्मच जल लेना है और दूसरा मंत्र के बाद फिर से पीना है। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। दूसरा आचमन भी हो गए। अब फिर से दायां हाथ में एक चम्मच और जल लेके तीसरा बार आचमन करना है मंत्र पाठ के बाद। ओम सत्यम यशश्रीर्मयेश्रीश्रयताम स्वाहा। तीसरा आचमन करे के बाद दायां हाथ ला धो लेना है और बाद बायां हाथ में फिर से एक चम्मच जल ले लेना है और फिर दायां हाथ के बीच के दो उंगली से अंग स्पर्श करना है। अंग स्पर्श मंत्र। ओम वांग्म आस्य अस्तु। ओम नसोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहवोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में उर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्त्वा मे सह सन्तु। अग्न्यादान मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः। ओम भूर्भुवस्वर् द्यौरिव भूम्ना पृथ्वीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथ्वीदेव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। अब अग्निया दान करना है, मतलब कि पहले दीपक ला जलाना रहते, फिर दीपक से जो है क्या बोलते हवन ला जलाना रहते, लेकिन यहाँ पे दीपक नहीं है तो मैं डायरेक्टली हवन ला जो है जलाता हूँ। पहले कपूर ला फिर जला के ओला सीधा हवन कुंड में देवत हूँ। ओकर बाद वहाँ थोड़ा छोटे छोटे से लकड़ी डाले ला पड़ते ताकि आग अच्छा से जल जाए और जरूरत पड़े तो थोड़ा घी डाले जाते ताकि आग अच्छा से जल जाए ताकि उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे थामयं च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नद्येन समेधय स्वाहा। अब तीन ठो समिधा मतलब कि लकड़ी ला घी लगा के रखा था और आगे मंत्र पाठ के साथ ओला जो है समिधा दान करबो, मतलब हवन में डालबो। ओम समिधा अग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धा यशोचुषे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न ममा।
ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसी बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम ॐ अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम ॐ अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम ॐ अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम अब जल प्रक्षेपण ॐ अदितेनु मन्यस्व ॐ अनुमतेनु मन्यस्व ॐ सरस्वत्यनु मन्यस्व ॐ देव सवितः प्रसुव यज्ञ पतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदत्तु आघारा वाद्य भागा होती मंत्र चला भी करना है फर्स्ट टाइम ना आपको जिसे यहाँ से यहाँ डालना है सेकंड टाइम यहाँ से यहाँ जल रहा है उसी में डालना है लकड़ी में ठीक है तीसरा चौथा में सेंटर सेंटर बाकी सब सेंटर है पहला लेफ्ट दूसरा राइट बाकी सब सेंटर ठीक है ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम जो जल रहा है लकड़ी उसमें डालना है ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम इसको ना लकड़ी लंबा इसलिए है ताकि आपको सामने झुकना न पड़े ऐसे दूसरे से डाल ठीक है ॐ सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ॐ ज्योतिस्सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ॐ ज्योतिस्सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ॐ अग्निर्वर्च्यो ज्योतिर्वर्चस्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवरवायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योति रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते
तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देवत सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणवेनो भूयक्षान्तैर्नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं वहयं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना, जैसे हम लोग जनगणमन या फिर वंदे मातरम बोलते हैं, ये उसका संस्कृत वर्ड है जो आदिकाल से चला है। ॐ आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् द्रौग्धी धेनुर्वोढा नड्वा नाशु सप्ति पुरन्धिर्योषा जिष्णुरतिष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामेन्निकामेन्नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। ॐ राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं नमः। ॐ राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं नमः। ॐ राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं नमः। सुष्टकृदाहुति मंत्र। ॐ यदस्य कर्मणोत्तरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्सृष्टकृत्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान् कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टकृते इदन्न मम। ॐ सर्वं वैपूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वैपूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वैपूर्णगं स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें अश्वमेधादिक रचाये यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन हर जीवधारी
के लिए वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ दे में छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो संगवारी हो, आज के हमार हवन के कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। पहली बार शादी के बाद घर में हवन करें हमारा दोनों जन मिल के। तो संगवारी हो, आज की वीडियो आप मन ला कैसे लगी इस कमेंट करके जरूर बताओ। अच्छा लगे सो इतना लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसे छत्तीसगढ़ी में वीडियो देखना है ता सीजी के पारस ला सब्सक्राइब कर दो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, हवन के बाद अभी मैं बनाता हूँ खीर। खीर नहीं, दूध भात बोलना चाहिए, बस दूध है और चावल है, और लास्ट में थोड़ा सा शक्कर डालूँ। संगवारी हो, खीर बन चुके है। अन्नपते अन्नस्य नोदह्यनमीवस्य चुष्मिणः, प्रप्रधादारं तारिष ऊर्जन्नो देहि द्विपदि चतुष्पदि। ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः, सत्यं ब्रवीमि वद इत्सतस्य, नार्यमणं पुष्यति नो सकायं, केवलाघो भवति केवलादि। ओम शांति शांति शांति।